हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर टू पार्ट वन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ आंथद। देखिए, एक फिगर दिखाई दे रहा है। ये फिगर है टीएस ऑफ यंग आंथद। यदि यंग आंथद का हम टीएस देखते हैं तो उसके सेंटर में मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है। इस सेल्स क्या है, मैथमेटिक सेल्स होती हैं। मैथमेटिक सेल्स के चारों तरफ एक लेयर होती है। इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, एपिडर्मिस नाम देते हैं। और एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर्स दिखाई दे रही है इसको हाइपोडर्मिस नाम देते हैं। और हाइपोडर्मिस के कॉर्नर की सेल्स, जो हाइपोडर्मिस की कॉर्नर की सेल्स होती हैं, ये कॉर्नर सेल्स बिकम प्रोमिनेंट डेंस साइटोप्लाज्म एंड विजिबल न्यूक्लियस। तो ये प्रोमिनेंट होती हैं और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, विजिबल न्यूक्लियस होता है। और इन सेल्स को नाम क्या देते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स। और आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड होकर के फॉर्म करती हैं एपिडर्मिस के तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल एंड सेंटर के तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनल सेल्स। तो एपिडर्मिस के तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल और सेंटर के तरफ स्पोरोजिनल सेल्स फॉर्म करती हैं। नाउ आर्किस्पोरियल सेल फॉर्म प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल फॉर्म 3 to 5 लेयर ऑफ आंथर वॉल, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स डिफरेंशिएट इनटू द माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। एंड पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स। नाउ टीएस ऑफ आंथर शोइंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड नेक्स्ट, यदि हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरे एक माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये हमारे पास डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर है। डिटेल स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा आउटर लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज द एपिडर्मिस। इसको हम क्या नाम दिया, एपिडर्मिस। एंड नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज नोन एज द एंडोथीसियम। इसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोथीसियम नाम देते हैं। और एंडोथीसियस में आपको कुछ इस तरह के फाइब्रस बैंड दिखाई दे रहे हैं। ये फाइब्रस बैंड दिखाई दे रहे हैं जो इनर टेंजेंशियल वाल पे फाइब्रस बैंड दिखाई दे रहे हैं। ये फाइब्रस बैंड है जो इनर टेंजेंशियल वाल पे हैं। ये फाइब्रस बैंड अल्फा सेलुलोज के होते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और आंथर के डेसेंस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टू द एंडोथीसियम, एंडोथीसियम से यदि हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास मिडिल लेयर दिखाई देती है। ये पूरी कंप्लीट हमारे पास क्या दिखाई दे रही है, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर से नीचे इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के इनर मोस्ट लेयर को नाम देते हैं टैपेटम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टैपेटम इसको बोलते हैं। और देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दें, स्टोमियम। दिस इज द लाइन और साइट ऑफ डेसेंस ऑफ आंथर। यहीं से आंथर रप्चर होता है, यहाँ से आंथर फटता है। इसको नाम देते हैं स्टोमियम नाम देते हैं। यहाँ अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं मिलती है और यहीं से आंथर डेहिस करता है। यदि हम फोर लेयर्स का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है फोर लेयर्स का। ये ऊपर से आप देख रहे हैं, ये जो लेयर है इसको नाम देते हैं एपिडर्मिस नाम देते हैं। और एपिडर्मिस से नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंडोथीसियम दिखाई दे रहा है। और एंडोथीसियम में आपको देखिए, एंडोथीसियम एंडोथीसियम में आपको ये नीचे की तरफ इनर टेंजेंशियल वाल में फाइब्रस बैंड दिखाई दे रहे हैं। ये फाइब्रस बैंड अल्फा सेलुलोज के मिलते हैं। नीचे आपको लेयर्स दिखाई देती है, इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, मिडिल लेयर्स नाम देते हैं। दीज आर द मिडिल लेयर्स। और उसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, टैपेटम की लेयर दिखाई दे रही है, और टैपेटम लेयर। और इधर आपको क्या दिखाई दे रही है, पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा पॉलन सैक। और पॉलन सैक में क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मिलती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं एक एक लेयर का फीचर।
फर्स्ट इपिडर्मिस, इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, लिविंग थिन सिंगल लेयर्ड, और फंक्शन देखा जाए तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। अब नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे तो नेक्स्ट लेयर हमारे पास क्या दिखाई देगी, एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर नाम देते हैं। क्यों फाइब्रस लेयर नाम देते हैं, क्योंकि अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग इसमें दिखाई देती है। तो एंडोथीसियम, एंडोथीसियम क्या होती है, डेड होती है, थिक होती है, और थिकनिंग अल्फा सेलुलोज फाइबर्स, अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग इसमें मिलती है। और अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और डाई कंडीशन में जब मॉइस्चर आपका रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, तो एक टेंशन डेवलप होता है, और टेंशन के समय आपको जहाँ से वीक पड़ता है, तो वीक पॉइंट कौन सा है, स्टोमियम, तो स्टोमियम से अंतर फट जाता है जिससे पॉलन गेन रिलीज होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, इट हेल्प्स इन द डेसेंस ऑफ आंथर। नेक्स्ट लेयर देखते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट लेयर हमारे पास है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर लिविंग थिन एंड थ्री, वन टू थ्री लेयर्ड है। आपको क्या दिखाई दे रही, एक से तीन लेयर्ड है, और ये कैसी है, पैरेन्काइमेटिस से। अब पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज, और शॉर्ट लिव्ड है, इफीमेरल होती है। सेल्स ऑफ मिडिल लेयर्स डीजनरेट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को डीजनरेट होकर के नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब्सेंट इन द मैच्योर आंथर। ये मैच्योर आंथर में मिडिल लेयर क्या होती है, अब्सेंट होती है। नेक्स्ट लेयर हम बात करते हैं टैपिटम की। टैपिटम, तो टैपिटम देखेंगे इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ये लार्ज साइज की होती है। इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये मल्टीन्यूक्लिएट होती है, तो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कैसे आता है, तो कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मींस कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। पॉलीपोलाइड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सेल्स कैसी होती हैं, इसकी पोलाइडी होती है, बहुत सारी पॉलीपोलाइड्स होती है, बहुत सारे सेट क्रोमोसोम मिलते हैं। तो ये किसके वजह से पॉलीपोलाइड होती है, एंडोमाइटोसिस के वजह से होती है। तो एंडोमाइटोसिस क्या होती है, तो एंडोमाइटोसिस में क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, बट न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता। क्रोमोसोम तो डबल्स होते हैं, डबलिंग होती है, बट न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। इसके वजह से आपको ये सेल्स कैसी हो जाती है, पॉलीपोलाइड होती हैं। जब पॉलीपोलाइड हो गई तो क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होगा, क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होगा तो डीएनए कंटेंट होता था। क्वेश्चन पूछा जाता आपकी कि इन चारों लेयर्स में कौन सी लेयर्स होती है जिसमें हाई डीएनए कंटेंट होता है, तो हाई डीएनए कंटेंट किस में होता है, टैपिडम में होता है। बस थैंक यू, इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।